हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो कुछ सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज आ रही हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूं। तो आप जो सब्सक्राइब बटन की साइड में बेल बटन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि फिर आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा उसके लिए, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू एवरी डे। एंड फॉर दैट लेट्स बिगिन विद 6 February का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है GS पेपर 2 से रिलेटेड। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स अब RBI के परव्यू के अंडर आएंगे, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि भाई जो कोऑपरेटिव बैंक्स उनको RBI के अंडर लेके आओ। एंड ये कौन से अमेंडमेंट के तहत होएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अमेंडमेंट किए जाते हैं। एंड उसके जब ये वाला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, तब से बैंकिंग रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 1966। तब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास लागू हुआ था कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस है वो कर पाएंगे। तो ये अमेंडमेंट्स किसको लागू होंगे? ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अब आप कह रहे हो बहुत देर होगी कोऑपरेटिव बैंक्स कहते कहते, होते क्या एक्चुअली वो बताओ, ठीक है। दो तरीके के बैंक होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक और एक कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस मैंने लिख रखा है, ये मैं टेलीग्राम में भी इंसर्ट कर दूंगी, एडू निर्माण ग्रुप करके है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक वर्सेज कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल क्या है? जो आप रोज देखते रहते हो, ठीक है, कोई भी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक इस तरीके का, कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन, ठीक है। पर जो कॉपरेटिव बैंक होते हैं छोटे छोटे किस्म के बैंक होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट या फिर रूरल इंडस्ट्रियस्ट, ठीक है, उनको ज्यादा फोकस करते हैं, छोटे बैंक हैं उनको ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसको कौन रेगुलेट करता है? कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड कॉपरेटिव बैंक को कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965, ठीक है। तो कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अब इसको रेगुलेट करता था, पर अब चाहती है सरकार की RBI रेगुलेट करे, इसीलिए वो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत इसको लाना चाहती है, ठीक है। लार्ज इसका मतलब फाइनेंस लार्ज है एंड इसका स्ट्रक्चर स्मॉल है, ठीक है, दो कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल का। ये प्रॉफिट में काम करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जिसमें मैंने या आपने किसी नॉर्मल बैंक में खाता खोले थे, हम अकाउंट होल्डर्स होते हैं। पर जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, उसके जो मेंबर होते हैं ना, वही उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन। ये तो नॉर्मल बैंक का काम होता है जो कमर्शियल बैंक है, पर कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है? एक्सेप्टिंग लोन फ्रॉम मेंबर्स एंड द पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, जिनको उसकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अब कोऑपरेटिव बैंक का हमेशा क्राइसिस आता रहता है, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC बैंक का क्राइसिस आया था, क्योंकि उसने क्या किया, एक ही बार में मतलब एक ही कंपनी को बार बार वो लोन देती रही, जिसकी वजह से वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई एंड वो अपने लोन को रीपे नहीं कर पाई एंड उसके NPAs बढ़ते गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड इसीलिए PMC बैंक का क्राइसिस आ गया था। तो उसके तहत अब सोचा है कि भाई ये कोऑपरेटिव बैंक बहुत शाने बन रहे हैं, चलो इनको RBI के कंट्रोल में लेके आते हैं। अब ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचो कि अभी ये इनकी इतनी बुरी हालत क्यों है, क्योंकि UCB क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 46 का नेट वर्थ नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ क्राइसिस दिखती है एज ऑफ मार्च 2019 एंड जो भी NPAs है इनके 24% एंड 33% ऑफ द लोन्स आर NPAs, ठीक है। एंड अराउंड 40% आर लॉस मेकिंग, जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अराउंड 40% लॉस मेकिंग में चल रहे हैं, तो इसीलिए दिक्कत है, कंसर्न है। तो अभी ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अब देखा जाए तो ना रूरल में कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं, 96,606, जबकि अर्बन में कितने हैं, 1,542। तो ये दिखाता है कि इनके रूरल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है ना। अभी हमारी इकोनॉमी को क्या ज़रूरत है, जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की, उनको पैसा देने की, ताकि वो पैसा लेंगे तो वो पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो रूरल में इनकी प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छा है, इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इसलिए भी ध्यान देने की जरूरत है, तो देखो कि 54 शेड्यूल्ड बैंक्स है ना, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, वही RBI के अंडर आ रहे हैं, जबकि 1488 नॉन शेड्यूल्ड बैंक अमंग जो अर्बन के हैं वो आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये वाली कंसर्न है कि अब इनको RBI के अंडर लेके आना चाहिए, तो फिर RBI इन पर डायरेक्ट कंट्रोल कर सकेगी। तो इस चेंज में क्या होएगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स की जो ऑडिटिंग होएगी, ठीक है, जो भी उन्होंने खाता मतलब किसको कितने पैसे दिए, वो RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनकी ऑडिटिंग होएगी। एंड RBI कैन सुपरसीड द बोर्ड, जो जिसके बोर्ड मेंबर्स होंगे, अगर RBI चाहता है कि ये डिसीजन ऐसे लेना चाहिए, तो वो उसके बोर्ड के सुपर के डिसीजंस को भी सुपरसीड या फिर नेग्लेक्ट करके अपना डिसीजन चला सकता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स विल ऑल्सो रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेटर RBI, तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये जरूरी क्यों था, मैंने आपको बताया पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का में जो क्राइसिस आ गया था, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जैसे कि 8.6 लाख अकाउंट होल्डर्स हैं एंड टोटल डिपॉजिट ऑफ अराउंड 5 लाख करोड़,
Besides, urban cooperative banks reportedly near 1,000 cases of fraud worth 220 crore in past 5 fiscal years. ठीक है, तो इनका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ता जा रहा है. ठीक है, इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी. तो रेगुलेटेड कैसे थे, पहले बता चुकी हूँ मैं कि जो सोसाइटीज़ एक्ट थे उसके तहत रेगुलेटेड थे, एंड इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड RBI. ठीक है, वाइल द रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, रजिस्ट्रार का रोल क्या था, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑडिट, सुपरसीजन ऑफ द बोर्ड एंड लिक्विडेशन. ठीक है, तो जब भी लिक्विडेशन का काम आता था तो ये रजिस्ट्रार उठ के आ जाता था कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला. एंड पहले आरबीआई का जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स इसमें इसके तहत रेगुलेटेड थे, तब आरबीआई का क्या काम होता था, मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो ये मेंटेन करने के लिए आरबीआई का काम होता था. पर अब आरबीआई ने कहा कि चल भाई रजिस्ट्रार तू साइड हो, मैं देखूंगा, मैं ही देखूंगा ऑडिटिंग, मैं ही देखूंगा सुपरसीजन ऑफ बोर्ड जो भी इसके अंदर आएगा. ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में बता चुकी हूँ, कोऑपरेटिव बेसिस पे एस्टैब्लिश होते हैं, बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स, जो भी उसमें मेंबर होते हैं जिन्होंने वो एस्टैब्लिश किया है वही उसके बोर्ड मेंबर्स हो जाते हैं, वही उसको रेगुलेट करते रहते हैं. तो ये होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये सारी पिक्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का था, 1949 का था, ध्यान रखना है. एंड ये हो गया है हमारा आर्टिकल. देन इज अबाउट सिलेक्ट कमिटी ऑन रिकमेंडेशन ऑन सरोगेसी रेगुलेशन बिल. ठीक है, तो 15 मेजर चेंजेस आए हैं इन द सरोगेसी रेगुलेशन बिल. ठीक है, तो जो सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए बिल पास हुआ था, ठीक है, पर अभी वो बिल ही स्टेज में एक्ट नहीं बना है. तो ये बिल क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स कॉमर्शियल सरोगेसी. ठीक है, जो पैसे देके सरोगेट मदर, सरोगेसी का क्या मतलब होता है, किसी दूसरे का बच्चा अपनी कोख में कैरी करना, दैट इज कॉल्ड सरोगेसी. तो कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन करता था कि पैसे देके ले, पैसे ले ले एंड हमारा बच्चा कैरी कर ले. तो इससे क्या होता था, जो फॉरनर्स थे वो अपना जो नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे बेबीज, वो यहाँ पे आके, क्योंकि इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस सस्ता है, तो वो यहाँ पे आके करवा लेते थे. एंड जिसके तहत है कि जो यहाँ की जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ डिटियोरेट होती जा रही थी, एंड हम कॉमर्शियल सरोगेसी हब बन चुके थे. एंड ये सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी कराती थी, सरोगेसी को प्रमोट करता है ये बिल, कि भाई सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ही आप सरोगेसी करा सकते हो अगर आपको चाहिए, ताकि जो कॉमर्शियल सरोगेसी है बेसिकली उस पर बैन हो जाना चाहिए. बिल कब पास हुआ था, अगस्त 2019 में, पर अभी इसको जो सिलेक्ट कमेटी है, कमिटीज़ पे मैंने लेक्चर बनाया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे, वो भी आप देख सकते हैं. तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया है इन नवंबर 2019, एंड सेवरल राज्यसभा मेंबर्स ने मतलब कुछ कुछ इस पे बताया गया है कि भाई क्या क्या आपको इस पे अमेंडमेंट्स करने चाहिए. तो की रिकमेंडेशंस क्या है, सबसे पहले कि जो क्लोज इसमें क्लॉज था है कि भाई सिर्फ क्लोज रिलेटिव ही सरोगेट मदर बन सकती है, बच्चा कैरी कर सकती है, तो इसको हटा देना चाहिए. ठीक है, एंड इससे कोई रिप्लेस कर देना चाहिए विलिंग वुमेन. विलिंग मीन्स जो भी चाहती है उसको करना. ठीक है, तो क्लोज रिलेटिव से क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो मेरी सिस्टर है, उसको नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड मेरी भाई की वाइफ है, ठीक है, वो कर पाती है, तो मेरी सिस्टर का फिर बर्डन पड़ेगा. ठीक है, जो मेरे भाई की वाइफ पे है, तो इनडायरेक्टली मेरा भाई उस पर बर्डन लगाएगा, मेरी माँ उस पर बर्डन लगाएगी कि भाई तुम्हें उसके बच्चे पैदा करने की ज्यादा जरूरत है. तो वो सरोगेट मदर के लिए उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, तो वो क्लोज रिलेटिव का क्लॉज हटा दिया गया है. तो ये बहुत अच्छी बात है. ऑप्ट कौन कर सकता है, सिंगल वुमेन कोई भी बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 45 वो सरोगेसी के लिए अडॉप्ट कर सकती है, चाहे कोई विडो भी हो या डिवोर्सी भी हो. इंश्योरेंस कवर को बढ़ा देने की मांग की गई है. पहले 16 महीने का इंश्योरेंस कवर था, अब बोला है कि 36 महीने का हो जाना चाहिए इंश्योरेंस कवर. एंड फिर बर्थ एफिडेविट कैसे होएगा, जो भी सरोगेट चाइल्ड है वो उसका मजिस्ट्रेट के पास जाके आप उसकी कस्टडी वगैरह ले सकते हैं. एंड कंपनसेटिंग द सरोगेट मदर बियॉन्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, कि भाई आपको जो भी सरोगेट मदर होगी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस तो आप उठाओगे ही, इंश्योरेंस कवर भी आप उठाओगे, पर जो भी उसके न्यूट्रिशनल फूड रिक्वायरमेंट्स है, रोज के फल फ्रूट आयरन कैल्शियम की गोलियां, ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सरोगेट मदर की. तो ये की रिकमेंडेशंस बोली गई हैं. तो रेगुलेशंस की नीड क्यों है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इंडिया इमर्ज एज अ सरोगेसी हब, क्योंकि अदर कंट्री से लोग आते थे एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती थी बच्चा कैरी करने के लिए, एंड अगर बच्चा उनके पसंद का नहीं होता था फॉरनर्स का, तो वो उसको अबैंडन करके चले जाते थे. तो वो दिक्कत आती थी कि जो बच्चा है उसको कौन उसका माता होएगा, कौन पिता होएगा, एंड इसकी वजह से हमारा जो इनॉर्मस पॉपुलेशन साइज था बच्चों का वो बढ़ता जा रहा था, एंड वही बच्चे फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लग जाते थे. तो ये दिक्कत होती थी. एंड 228 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि भाई कॉमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट कर देना चाहिए, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को लाना चाहिए. तो इसीलिए सरकार लाई गई है. अभी इसमें अमेंडमेंट कमिटी ने इसको बताया है कि भाई ये रिकमेंड करो, बाद में देखते हैं इसको पास करा जाएगा या नहीं. देन इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट पैनल रिकमेंड सेवरल प्रिजन रिफॉर्म्स. ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई प्रिजन रिफॉर्म्स करने चाहिए, बहुत हो गया आपका. तो नई प्रिजन रिफॉर्म्स का क्या कहना है कि भाई एक फ्री फोन कॉल होना चाहिए अपने घर वालों से बात कर सके. ठीक है, थ्रू हिज फर्स्ट वीक इन द जेल, फर्स्ट वीक से ही उसको एक फोन कॉल एक डे अपने घर वालों को कर सकता है. मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटीज आनी चाहिए, कैंटीन्स होनी चाहिए कि भाई वो एसेंशियल आइटम्स बाय कर सके, किसी को दवाई की जरूरत हो खाने की, कुछ भी इस तरीके की. एंड फिर वीडियो ट्रायल होनी चाहिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये अभी भी अवेलेबल
है, बट ये बोला गया कि हर एक प्रिजन में आनी चाहिए कि भाई जो ट्रायल हो रही है उसकी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सके। फिर स्पीडी ट्रायल्स होनी चाहिए क्योंकि बेस्ट वे है, क्योंकि आप किसी का स्टे, अगर मान लो कोई बेगुनाह है उसका स्टे बढ़ा रहे हो आप प्रिजन रिफॉर्म में, तो ये गलत बात है, ये अनएथिकल है, इसीलिए स्पीडी ट्रायल्स होनी चाहिए, जल्दी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी एटलीस्ट वन लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजन, जो अभी प्रेजेंट नहीं है, एक वकील होना चाहिए 30 कैदियों के ऊपर। एंड स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए ताकि फटाफट इनके जो ऑफेंसेज हैं उनको मतलब कर्टेल किया जा सके एंड उस पर जजमेंट आ सके। तो बैकग्राउंड क्या है, जस्टिस रॉय कमेटी, ये ध्यान रखना है कि जस्टिस रॉय कमेटी ने सितंबर 2018 में बोला है कि भाई जो भी प्रिजन रिफॉर्म प्रिजन्स में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ओवरक्राउडिंग, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मतलब 200 से 100% के बीच में, मतलब इतनी ओवरक्राउडिंग है एक ही जेल में, जहाँ पे 4 की कैपेसिटी है वहाँ 8 है, तो ये दिक्कत है। एंड डिसीजन वॉज इन रिएक्शन ऑफ लेटर रिटन बाई फॉर्मर चीफ जस्टिस हाईलाइटिंग द ओवरक्राउडिंग, उन्होंने भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी बोला था कि भाई ओवरक्राउडिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अननेचुरल डेथ हो रही है, क्योंकि सुसाइड ही कर लेते, बोलते कि इतनी जहन्नुम में रहने से तो अच्छा है हम मर ही जाएँ, ठीक है। एंड इन ग्रॉस इनएडिक्वेसी ऑफ स्टाफ है एंड लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ है प्रिजन्स में। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फिगर्स बता रहे हैं कि भाई जो भी प्रिजनर्स, क्योंकि प्रिजनर्स क्या है, वो कट ऑफ हो जाते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उनका कोई रिलेशन नहीं रहता, तो उनमें 50% मोर चांसेस होते हैं कमिट फॉर कमिटिंग सुसाइड देन आउटसाइड, ठीक है। वो वहाँ पे आके अब उनको ये होता है कि भाई घर वालों से रिश्ते नाते टूट गए तो हम सुसाइड ही कर लेते हैं, तो एवरेज सुसाइड रेट इन प्रिजन इज ओवर 50% मोर देन इन नेचुरल कंडीशंस, क्योंकि एक डिप्रेशन, आप स्ट्रेस में चले जाते हो तो इसीलिए वो दिक्कत आती है। एंड इंडियन प्रिजन फेस 3 लॉन्ग स्टैंडिंग दिक्कत, कौन सी, ओवरक्राउडिंग, अंडर स्टाफिंग एंड अंडर फंडिंग, फंड नहीं आ रहे हैं, ऊपर से स्टाफ की कमी है जो उनको मैनेज कर रहा है प्रिजनर्स को, फिर ओवरक्राउडिंग है प्रिजनर्स की ही, एंड इसकी वजह से सब ह्यूमन लिविंग कंडीशंस है, बहुत ही पुअर लिविंग कंडीशंस है, पुअर हाइजीन भी होगा क्योंकि स्टाफ कम है, तो वहाँ पे टॉयलेट वगैरह कौन साफ करेगा, उसको झाड़ू पोछे कौन लगाएगा, एंड इसलिए वहाँ पे वायलेंट क्लैशेस होते हैं बिटवीन जेल अथॉरिटीज एंड जो वहाँ पे प्रिजनर्स रह रहे हैं वहाँ पे भी। एंड इनएडिक्वेट प्रिजन स्टाफ है तो इसकी वजह से रैम्पेंट वायलेंस एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहती है इनसाइड द जेल प्रेमिसेस, ठीक है। तो इंडियन जेल्स को बताया गया कि वे अहेड क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो पैथेटिक एंड इनह्यूमन कंडीशंस हैं हम उनको एलिविएट कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इश्यूज़ है ओवर क्राउडिंग एंड अंडर स्टाफिंग वो तो हम चेंज कर ही सकते हैं कम से कम, है ना, फंडिंग तो हम ज़्यादा दे ही सकते हैं, एंड क्योंकि इसमें पॉलिटिकली कनेक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं फिर वो बोलते हैं कि चल भाई तुझे बाहर आके बताता हूँ, तो ये वाली चीज़ होती है। एंड जो वहाँ पे सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस अंडर ट्रायल्स हैं, अंडर ट्रायल्स टाइम पे नहीं हो पा रही है, एंड जिसकी वजह से जो थोड़े मतलब वही पॉलिटिकल जिनका कनेक्शन होता है क्रिमिनल्स का, वो जो बाकी प्रिजनर्स हैं उन पर दबाव डालते हैं। एंड वही बात है कि भाई हर किसी के फंडामेंटल राइट होते हैं, तो प्रिजनर्स के भी हैं, एंड उनको ऐसे कहीं भी आप किसी भी अनह्यूमन कंडीशन में नहीं रख सकते। एंड प्रिजन्स है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है अंडर द एंट्री फॉर लिस्ट सेकंड ऑफ द 7 स्केड्यूल, ये ध्यान रखना है, आपने 7 स्केड्यूल्स में पावर्स डिवाइडेड है कि यूनियन लिस्ट में कौन सी आएगी, स्टेट में और कौन सी कंकरेंट में, तो जो स्टेट सब्जेक्ट में है तो ये प्रिजन्स का है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो 3 इशूज़ ध्यान रखना हमेशा, ओवर क्राउडिंग, अंडर स्टाफिंग एंड अंडर फंडिंग, तो ये लाई जाएंगी, अभी देखते हैं आएंगी या नहीं आएंगी। फिर देखते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, ठीक है, सेकंड फेज है ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, तो 11.69 करोड़ ऑफ सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को 2 साल के अंदर। सॉयल हेल्थ कार्ड क्या है भाई, सॉयल की हेल्थ बताता है, अगर हमारा हेल्थ कार्ड होगा तो मेरी हेल्थ बताएगा, सॉयल का है तो वो सॉयल की बताएगा, तो वो बताएगा ये स्कीम चालू हुई से क्या हुआ, डिक्लाइन हुए इन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि भाई फर्टिलाइजर्स खाद है उसको यूज़ करके कोई भी खुश नहीं होता फर्टिलाइजर्स को, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी एंड फर्टिलाइजर्स में कमी आई, क्योंकि उनको पता चला कि भाई मेरी सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आई एम सॉरी, तो ये स्कीम कब चालू हुई, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी। एंड अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू इशू सॉयल कार्ड टू द फार्मर्स विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन, ये कि भाई मैं गेहूं हूं मुझे ये वाली कंडीशन चाहिए, मेरे सॉयल को ये वाली सिचुएशन चाहिए, एंड कितना मुझे फर्टिलाइजर्स चाहिए, एंड राइस हो तो राइस को कितना चाहिए, जवार है तो जवार को कितना चाहिए, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ सके जो भी एंड फार्मर्स है वो उसमें अच्छे तरीके से इनपुट लगा सके। तो सॉयल हेल्थ कार्ड इज़ यूज टू असेस द करंट स्टेटस ऑफ सॉयल हेल्थ की अभी हेल्थ किस प्रकार की है, एंड इट डिस्प्लेस सॉयल हेल्थ इंडिकेटर्स एंड एसोसिएटेड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, ठीक है। तो जो ये इंडिकेटर्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन फार्मर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई भी फार्मर हो गया 10-12 साल से तो खेती कर ही रहा है, तो हर किसी फार्मर से पूछ के भाई तेरी क्रॉप को कौन सा सूट कर रहा है, तो वो पूरा उन्होंने एक कार्ड बनाया सरकार ने जो उन सबको दिया जाता है, एंड ये लिस्ट करता है सॉयल इंडिकेटर्स दैट कैन बी असेस्ड विदाउट एड ऑफ टेक्निकल एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ये बताता है कि भाई आप इस तरीके से मिट्टी को खोद के अगर उसमें पानी में मिला के रख दो, अगर वो ये ऐसे रंग चेंज कर लेगी, मतलब इस तरीके की
इनोवेटिव टेक्निक्स जिसके लिए टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है, पर आप जान सकते हो कि आपकी सॉइल की कंडीशन कैसी है फिलहाल के टाइम। तो स्टेटस ऑफ सॉइल में 12 पैरामीटर्स इंक्लूडेड है इसमें, जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड है इसमें एनपीके, एनपीके कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बताएगा कि आपकी एनपीके की क्वालिटी कैसी है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। फिर एस माने सल्फर, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जो ज़रूरी होता है सॉइल के लिए, इसकी स्टैंडर्ड कैसा है। देन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड बोरॉन, ठीक है, इनकी क्वालिटी अच्छी कैसी है, इनकी क्वांटिटी कैसी है वो बताएगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड। एंड फिर पीएच बताएगा आपकी सॉइल की पीएच कितनी है, एसिडिटी है या एल्कलाइन है आपका सॉइल। फिर ईसी और ओसी के बारे में बताएगा, ईसी ओसी क्या है, एलिमेंटल कार्बन एंड ऑर्गेनिक कार्बन का रेशियो कितना है। ऑर्गेनिक कार्बन कौन सा होता है, जो प्लांट्स जो डेड प्लांट्स है वो खाद बन जाते हैं गिर के, वो वाला ऑर्गेनिक कार्बन का रेशियो कौन सा, और एलिमेंटल फॉर्म में कितना अवेलेबल है वो बताएगा। एंड इट विल ऑल्सो इंडिकेट कि भाई आपकी सॉइल को कितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बताएगा आपकी फार्म को कितने की ज़रूरत है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2015 में स्कीम चालू हुई थी, एंड ये बताता है कि आपकी सॉइल को कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की कितने की ज़रूरत है, एंड ये फर्टिलाइजर्स ज़रूरी होते हैं। दैन इज अबाउट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। आईपी का क्या मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इंडेक्स है 2020 का रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी ने इसको रिलीज किया है। ये इंडेक्स इवेल्युएट करता है द आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच इकोनॉमी बेस्ड ऑन 45 इंडिकेटर्स। 45 इंडिकेटर्स पे जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी इकोनॉमी में वो देखता है। तो 8 कैटेगरीज है इसमें जिस पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले पेटेंट्स, कितनी इजीली आप पेटेंट करा सकते हो अगर आपका कोई भी वर्क है। पेटेंट का क्या मतलब होता है, जब हम छोटे थे सीट रोक लेते थे ना, ये मेरी सीट है, बोलते हैं क्यों तेरा नाम लिखा है इस पे तो ये वाला होता है। तो पेटेंट वही होता है कि भाई नाम लिखवा दिया उस पे, ये मेरा पेटेंट हो गया। फिर कॉपीराइट, ठीक है, 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तब अगर आपकी ये 8 कैटेगरीज आप अच्छे से कर रहे हो तो आपका नाम इसमें अच्छा चला जाएगा। तो पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट की भाई कैसे कॉमर्शलाइज, कैसे बेच रहे हो, इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हो आप इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, एंड सिस्टमेटिक एफिशिएंसी एंड मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, कैसे कितनी आपने इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई किया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो जिन्होंने इस 8 इंडिकेटर में अच्छा काम किया उनकी रैंक अच्छी है, जिन्होंने नहीं किया उनकी रैंक बुरी है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही, इंडिया को 53 में से 40 नंबर मिले, 40 मतलब रैंक पे है इंडिया, एंड लास्ट रैंक इंडिया की 36 पोजीशन थी आउट ऑफ 50 कंट्रीज, एंड इंडिया कंटिन्यूज टू स्कोर वेल इन द सिस्टेमिक एफिशिएंसी इंडिकेटर। तो ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन इंडिया क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस्ड एफर्ट बनाया है टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी थ्रू इंक्रीजिंगली रॉबस्ट आईपी प्रोटेक्शन। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनके प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट के लिए इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आईपी प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट एक क्राइटेरिया भी है, हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, तो उस क्राइटेरिया में हमने बहुत अच्छा काम किया है, एंड जिसकी वजह से हमारा स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग फॉर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बढ़ा है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस करवाई है हमने, जो भी लोग इनोवेशन में ऐसे इस तरीके में लिंक्ड है, अवेयरनेस बढ़ाई है अमंग इंडियन इनोवेटर एंड क्रिएटर, ठीक है, एंड स्ट्रॉगर आईपी प्रोटेक्शन बट द जॉब इज नॉट, वही कह रहे हैं कि स्ट्रॉगर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लाए गए हैं पर अभी सारा काम हुआ नहीं है, एंड हमारी रैंक इसीलिए भी इंप्रूव है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि डिसेबल हो जाना चाहिए ऐसा कॉपीराइट, जो भी कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहा हो, मतलब जो किसी का सेम चेप्पा हो किसी ने, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जिसे कहते हैं, किसी मतलब कोई ये हो भी कि ये फोटो तुम नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेरी कॉपीराइट है, मेरा पेटेंट है, पर अगर कोई ऐसा कोई किसी की चुरा रहा है उसको ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है तो उसको डिसेबल ही कर देना चाहिए। तो जब से दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट पास किया तब से हमारी और अच्छी इमेज बन गई है वर्ल्ड वाइड। तो वे अहेड क्या है इंडिया का, हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, अभी वही कह रहे हैं ना जॉब इज़ नॉट येट डन, तो बहुत ज़्यादा और चीज़ें जहाँ हम काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन से, पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट होती है पेटेंट कराने के लिए वो, फिर पेटेंट इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट कैसे किया जा सकता है उसका, कंपलसरी लाइसेंसिंग, कोई भी आप इनोवेशन कर रहे हो उसकी आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग करानी पड़ेगी कि भाई ये मेरा है, पेटेंट अपोजिशन एंड रेगुलेटरी डाटा प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा डाटा प्रोटेक्शन रिजीम अभी इतना अच्छा है नहीं, एंड ट्रांसपेरेंटी इन रिपोर्टिंग सीजर्स बाय कस्टम, जो कस्टम वो रिपोर्ट वो कर लेते रिपोर्ट कर लेते सीजर्स को कि इसने वॉयलेट किया, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि वो इजीली बता सके कि हाँ भाई फलाने फलाने इंसान ने इसको इन्फ्रिंज किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को।
तो सिंगापुर हमने बेसिकली हमने सिंगापुर ट्रीटी ऑफ लॉ ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, ये एक ट्रीटी है जो बताती है कि भाई एक कॉमन स्टैंडर्ड होने चाहिए ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग के, तो हमने इस ट्रीटी को अब तक रेटिफाई नहीं किया है, ना ही हमने पेटेंट लॉ ट्रीटी को रेटिफाई किया है, इसलिए हमारी रैंक भी गिर गई, क्योंकि हम उसमें लिखा हुआ था ना इंडिकेटर्स में कि कौन सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करा है, तो हम ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिनको हमने रेटिफाई नहीं किया, इसीलिए भी हमारी रैंक पीछे है। तो पेटेंट लॉ ट्रीटी क्या कहती है, इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, 2000 में इसको कंक्लूड किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यूरोपियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, इट एम्स एट हार्मोनाइजिंग फॉर्मल प्रोसीजर सच एज रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन फाइलिंग डेटा फॉर पेटेंट एप्लीकेशन, जो भी पेटेंट से रिलेटेड है उसको सब देखती है पेटेंट लॉ ट्रीटी, एंड सिंगापुर लॉ ट्रीटी है जिसको भी हमने अभी तक रेटिफाई नहीं किया। तो टॉप किसने किया, यूएसए, यूके, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने टॉप किया। अब ज़रूरत क्यों है आईपी राइट्स को की हमें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या होएगा, जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, क्योंकि किसी ने इनोवेट कर दिया, ठीक है, तो उसको हाई पेइंग, अगर उसको पेमेंट तो ज़्यादा होगी, आज के टाइम में कोई कोरोना वायरस का वो निकाल ले कि भाई कैसे होएगी, तो उसको कितनी मुँह मांगेगा उतनी पेमेंट मिल जाएगी, तो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी होगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स एंड फैमिलीज, उनको प्रोटेक्ट करेगी, एंड जो हमें इट विल जनरेट ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंज, जैसे आज के टाइम में कोरोना वायरस है, अगर किसी ने वो निकाल लेता है उसका सॉल्यूशन, तो उसके नाम पे वो फिर अगर वो निकाल लेगा तो ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस होंगे कोई भी किसी भी ग्लोबल चैलेंज के, एंड ये इनकरेज करेगा इनोवेशंस एंड रिवार्ड एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप खुद सोचो किसी ने कोरोना वायरस का निकाल लिया एंड हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो कल को हर कोई कॉपी कर लेगा, उसका तो बेचारे का कोई क्रेडिट ही नहीं बचा, तो इसीलिए हमारे यहाँ आईपी राइट्स की ज़रूरत है ज़्यादा, एंड हमारी रैंक इसमें ध्यान रखना है 40 out of 53 है, एंड ये वाली इंडिकेटर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। देन इज अबाउट वाधवान पोर्ट एंड लैंडलॉर्ड मॉडल, ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भाई हम 13वां मेजर पोर्ट डेवलप करेंगे इंडिया में, कहाँ पे, वधवन नियर धानू इन महाराष्ट्र, तो इससे क्या होएगा, इंडिया विल बिकम 10 वन ऑफ द 10 कंट्रीज इन द टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो इससे क्या होएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, ठीक है, विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी मुंबई में ही है, एंड ये दोनों मिलके स्पेशल पर्पस व्हीकल और ये मिलके फिर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, एंड ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर डेवलप होएगा, ठीक है। हमारे यहाँ फिलहाल कितने पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये आ जाएगा तो 13 हो जाएंगे टोटल, तो देख लेते हैं कौन से हैं, दीनदयाल पोर्ट जिसे कांडला पोर्ट कहते थे पहले, गुजरात में है, फिर मुंबई पोर्ट, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल जो हम अभी हमने पढ़ा, मोरमुगाव जो गोवा में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका में है, कोची पोर्ट जो केरला में है, चेन्नई पोर्ट, कामराजर पोर्ट तमिलनाडु में, वी ओ चिदम्बरनर तमिलनाडु में, विजाक जो आंध्र प्रदेश में है, पैराडीप ओडिशा में है, कोलकाता में जो हल्दिया पोर्ट है उसके बारे में, टोटल 12 पोर्ट्स है अभी फिलहाल। तो लैंडलॉर्ड मॉडल है क्या जिसके बेसिस पे इसको डेवलप किया जाएगा, इसमें क्या होता है कि भाई जो पोर्ट है वो तो पब्लिकली गवर्न्ड पोर्ट मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर होगा, जबकि एंड जो जिसके रेगुलेटरी बॉडी के अंदर होएगा वो लैंडलॉर्ड कहलाएगी, एंड जो प्राइवेट कंपनी होएगी उसको पोर्ट ऑपरेशंस जो भी करते हैं कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटी की, भाई सामान उठा लिया लाद दिया, ठीक है, एंड जो सबको कोऑर्डिनेट करेगी कौन सी कंट्री से सामान कब आया एंड वो जो सारा मॉनिटर करेगी वो प्राइवेट कंपनीज करेगी, ठीक है, वो बिडिंग होएगी आपकी एंड फिर वो मेंटेन करेगी कि हाँ भाई ये प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज करेगी, ठीक है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे जो आज के टाइम पे पीपीपी फोकस है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का, तो उस पीपीपी मॉडल पे चलेगा एंड इसे लैंडलॉर्ड मॉडल वो कहते हैं, मॉडल कहते हैं, एंड इसे क्या होएगा फिर लैंडलॉर्ड को वो सारा प्राइवेट वाला काम तो वो हैंडलिंग कर ली प्राइवेट ने, तो इससे क्या होगा लैंडलॉर्ड को शेयर मिल जाएगा ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। एंड रोल ऑफ लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी का क्या रहेगा, जो भी पब्लिक सेक्टर सर्विसेज करना है एंड ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे अवार्ड्स ऑफ बिड फॉर कार्गो टर्मिनल्स, जैसे हर साल कार्गो टर्मिनल्स के लिए बिड करेंगे ना प्राइवेट पार्टनर्स, भाई इस साल मैं करूंगा ये मेरी इतने करोड़ पे, मेरी इतने करोड़ पे, तो वो बिड को अवार्ड करेगा लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी, एंड जो भी ड्रेजिंग का काम है वो सारा लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी संभालेगी। ड्रेजिंग क्या होती है, जैसे कि पोर्ट पे इकट्ठा हो जाता है ना मड वगैरह, तो उसको हटवाने के काम को ड्रेजिंग कहते हैं, तो वो वाला सारा काम कौन करवाएगा, लैंडलॉर्ड करवाएगा। वही है ना कि लैंडलॉर्ड का काम क्या होता है, मैनेज करने का, एंड जैसे हमारे आप खुद ही सोच लो कि कोई टेनेंट रहता है, कोई किराए पे रह रहा है, तो सारा काम तो किराएदार करेगा उस घर का, पर हमारा मेजरली काम क्या होगा, अगले साल किराएदार आएगा उसको कितने पे देना है, एंड जो भी वहां का काम है, मान लो पानी की टूटी ठीक नहीं हुई है, तो वो सारा काम करेगा, तो इसे बेसिकली लैंडलॉर्ड मॉडल कहा जाता है। नीड क्या है इसकी, क्योंकि मोस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट इन इंडिया कैरी आउट टर्मिनल ऑपरेशंस भी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि
कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटीज़ का एंड टर्मिनल ऑपरेशंस में जो भी दिक्कत कराती, तो इनमें कन्फ्लिक्ट होता रहता है. एंड न्यूट्रलिटी होनी चाहिए लैंड और पोर्ट अथॉरिटी की. इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फेयर कॉम्पिटिशन बिटवीन पोस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो भी टर्मिनल ऑपरेटर होते हैं. तो इससे क्या होगा कि लैंड और पोर्ट अथॉरिटी की न्यूट्रलिटी होनी चाहिए एंड वो सारे इसलिए प्राइवेट सेक्टर वाले काम कर सके, तो उससे उसको बेनिफिट होगा. तो वाद वाहन पोर्ट के बारे में ध्यान रखना है आपको, वधवन तो उसके बारे में, एंड ये महाराष्ट्र में डेवलप होएगा, 13th पोर्ट हो जाएगा. एंड बस यही था आज, आई थिंक हो गया. तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.